ये अवश्य तारकासुर का कोई कपट जाल है। देवराज, ओहो, देखो कितना मनोरम दृश्य है ये। देखो इस दम्भी देवराज इंद्र को कैसे धूल धूसरित हो रहा है ये। अत्यंत आनंददायक। देवराज इंद्र का ऐसा अपमान मैं कदापि नहीं सहूंगा। तारकासुर, खंडित करूंगा भवन द्वार के सुरक्षा कवच को मैं। वायुदेव, वायुदेव, अपनी शक्ति से इस द्वार के पार में जाके ही रहूंगा। कुबेर देव, रुक जाइए, वहीं रुक जाइए। कुबेर देव, कुबेर देव रुकिए, कुबेर देव रुकिए, 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 रुकिए कुबेर देव। तीनों देवता गिर गए और कुबेर के भार से दोनों कुचल गए। अत्यंत आनंददायक। मेरा क्रोध जागृत हो चुका है। हमारे मार्ग में बाधा बनने वाली इस अदृश्य बाधा को अभी नष्ट कर दूंगा मैं। जो भी अदृश्य बाधा है, ये इन तीनों देवताओं की सम्मिलित शक्ति के सामने टिक नहीं सकेगी। होता है अब ये देवता भीतर आ ही जाएंगे। अरे रे 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 रे। देवताओं को शौणितपुर के भीतर आना ही है तो इतने श्रम की क्या आवश्यकता है। अब तो ऐसा भीतर बुलाऊंगा इन देवताओं को कि फिर वापस लौट नहीं पाएंगे ये। महाराज, भीतर आने देंगे इन्हें, किंतु क्यों? कुबेर देव, वायुदेव, ऐसे ही प्रयास करते रहिए। शीघ्र ही हम इस बाधा को नष्ट कर भीतर जाने में सफल हो जाएंगे। भूकंपन कैसा? देवराज, ये क्या हो रहा है? ये भूमि खंड तो हमें साथ लेकर ऊपर क्यों उठ रहा है? Dale, 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 dale
अब ये भूखंड अचानक अदृश्य कैसे हो गया? सेनापति कुमार कार्तिकेय, क्या हो गए? ये दृश्य देखकर इतने विचलित क्यों हो गए? दुष्ट भीरु असुर, तुमने इंद्रदेव, वायुदेव और कुबेर जी के साथ क्या किया? क्या किया? ये कैसा प्रश्न है? वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मेरा नगर है, मेरे विधान के अनुरूप ही चलता है, बिना किसी अनुमति के। यहाँ किसी का भी प्रवेश वर्जित है, और यदि कोई ऐसा हट करेगा तो उसका परिणाम तो भुगतेगा ही ना। सदा के लिए काल कोठरी में बंदी बनेगा, फिर चाहे कोई देवता ही क्यों ना हो वो। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, तुम अपने देवताओं को मुझसे मुक्त कराना चाहते हो ना, तो स्वीकार करो मेरी चुनौती, प्रवेश करो मेरे शौनितपुर में और ले जाओ उन तुच्छ देवताओं को। कहो, इतना साहस, इतना सामर्थ्य है तुम में? कदाचित नहीं, इसलिए तुम्हारे पग आगे नहीं बढ़ रहे। बस बहुत हुआ, अब और नहीं रुक सकता मैं। अभी जाकर इस दुष्ट तारकासुर को इसकी दुष्टता का उचित दंड दूंगा मैं। सूर्यदेव, सूर्यदेव कहाँ? मैं अभी तारकासुर को उचित पाठ पढ़ाता हूं। रुकिए, अब आप सभी कहां जा रहे हैं? आप सभी यहीं रुकिए। हिंदू कुमार, बस, ये देव सेनापति कुमार कार्तिकेय का आदेश है, आप सभी यहीं रुकेंगे। गदा तुम्हारे शौनितपुर को खंडित कर देगा, तुम्हारे शौनितपुर को खंडित कर देगा। मयूर जी, ये तो और भी उत्तम है कि ये देवता आपस में ही भिड़कर स्वयं ही नष्ट हो जाएं। मुझसे युद्ध करने आए थे ये? क्या दशा हो रही है इन सब की, आपस में ही भिड़कर। No!
कार्तिकेय, ये क्या किया आपने? यही प्रश्न तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सूर्यदेव, ये क्या करने जा रहे थे आप? इंद्रदेव, वायुदेव, कुबेर जी वहां उसके बंदी है, तो हम यहाँ हाथ पर हाथ धरकर तो नहीं बैठ सकते ना? सर्वथा उचित कहा आपने सूर्यदेव, अर्थात आप भी देवराज, वायुदेव और कुबेर देव के मार्ग पर ही अग्रसर थे, तो उन्हीं के समान आपको भी बंदी बनाने से क्यों रुकेगा तारकासुर? इसका तनिक भी विचार किया आपने? शांत हो जाइए सूर्यदेव, क्रोध से समस्या का हल नहीं निकलेगा, उसके लिए हमें कोई युक्ति सोचनी होगी। मुझे क्षमा कीजिए कुमार कार्तिकेय, मैं अधिक आवेशित हो गया, किंतु हम करें तो करें क्या? आप ही बताइए कुमार कार्तिकेय, क्या आदेश है आपका? मेरे होते हुए किसी भी अन्य को स्वयं को संकट में डालने की आवश्यकता नहीं है सूर्यदेव, बस मुझे थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं इस समस्या का कोई समाधान ढूंढ सकूं। युद्ध के समय जब भी तुम्हें अनुभव से प्रेरणा लेने की आवश्यकता हो, तुम निसंकोच मेरा स्मरण करना पुत्र, मैं तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत होकर तुम्हें उचित सीख प्रदान करूंगा। मुझे कोई उपाय क्यों नहीं सूझ रहा है माँ, मैं अब क्या करूं? पुत्र, पुत्र, पुत्र। आप यहाँ? पुत्र, अभी तुम्ही ने तो मुझे पुकार कर प्रश्न किया था कि माँ अब मैं क्या करूँ? हाँ माँ, मुझे बताइए माँ कि मैं शौनितपुर में प्रवेश कैसे करूँ? पुत्र, क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे इस प्रश्न का तुम्हें उचित उत्तर प्राप्त होगा? निसंदेह माँ। तो क्या पुत्र तुम्हें इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ? माँ, आप मेरे समक्ष हैं, मैं आपको अपने नेत्रों से देख रहा हूँ, इसीलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ही मेरी माँ हैं। पुत्र, तुम मुझे देख अवश्य सकते हो, किंतु क्या इसका ये अर्थ है कि मैं वास्तव में यहाँ हूँ? आओ पुत्र। माँ, आप यहाँ? कठिन कार्य सरलता से कभी पूर्ण नहीं होते, किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण करने के लिए सरल मार्ग का चुनाव उचित नहीं होता, उसके भयंकर परिणाम भी हो सकते हैं, जैसे देवराज, वायुदेव और कुबेर जी ने तरलता के लोभ में अपनी स्वतंत्रता खो दी है। जो जैसा दिखाई देता है वो वैसा नहीं होता, इसीलिए अब अपने नेत्र बंद कर अपने विवेक से अपने अंतर की गहराई में उतर कर उचित मार्ग का चुनाव कर। मायावी भवन में भीतर जाने का मार्ग वहां ढूंढना होगा जहां कोई मार्ग दिखाई न देता।
मैं आपका संकेत समझ गया माता। कुमार कार्तिकेय, आपने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्या करें हम? आप कुशल तो है ना देव सेनापति, आप अचानक ऐसे शांत और स्तब्ध क्यों हो गए? चिंता मत कीजिए सूर्यदेव, मैं सर्वथा कुशल हूं और आप मुझे उचित मार्ग भी ज्ञात है। चलिए मयूर जी, आगे बढ़िए। ये क्या कर रहे हैं कुमार कार्तिकेय? इस तरह तो वो टकरा जाएंगे। आगे प्राचीर है प्रभु, उससे टकरा कर नष्ट हो जाएंगे हम। आपकी अनुमति हो तो मैं थम जाऊं? नहीं मयूर जी, उड़ते ही रहिए। किया कुमार कार्तिकेय ने, तो क्या वो उस प्राचीर से टकरा गए? कठिन कार्य सरलता से कभी पूर्ण नहीं होते। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण करने के लिए सरल मार्ग का चुनाव उचित नहीं होता। कुमार कार्तिकेय, उस प्राचीर से टकराकर कहां अदृश्य हो गए वो? माता पिता का मार्गदर्शन और उनका अनुभव संतान को सदैव कठिनाइयों के भंवर से उबारता है। धन्यवाद माँ, आपके सुझाव और आशीष के बल पर मैं यहां तक तो पहुंच गया, किंतु तारकासुर की इस मायावी नगरी में अब मुझे और भी सजग रहकर आगे बढ़ना होगा। महाराज, देखा आपने, महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय अब आपके शोणितपुर में प्रवेश कर चुके हैं। महाराज, देखा आपने, कार्तिक आ गए। हाँ, देखा, अवश्य देखा, किंतु स्वयं मैंने इस महादेव पुत्र को भीतर आने दिया। तेरे असुर सम्राट तारकासुर के मायावी नगरी में यहाँ जो कुछ भी होता है मेरे इच्छा के अनुसार होता है। और अब ये कुमार कार्तिकेय एक कीट पतंग के समान प्रवेश कर गया है मेरे मकड़ जा जाए। कोई लक्ष्य ऐसा नहीं जिसे भेदा ना जा सके, बस आवश्यकता है तो एकाग्रता और संयम बरतने की। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
Click the show links and enjoy watching the videos.